वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. हैप्पी न्यू ईयर. एंड बात करूं मैं इस चीज की टॉपिक के बारे में, सबसे पहले शुरुआत टॉपिक से करें. ये जो टॉपिक है मोस्टली लाइक आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स लाइक ये टॉपिक पे बनी, बट ये जो टॉपिक है इस पे आज तक नहीं बनी मुझे ऐसा लगता है. सो फर्स्टली टेल अस समथिंग अबाउट द व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट द टॉपिक वीडियो स्कैम. उस पे क्या था आपका थॉट प्रोसेस? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? मुझे ऐसे लगता है जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं उनको सबसे पहले बात करनी चाहिए. विनय जी. ओके. सो ये हमारा जो पूरी सीरीज है वीडियो कैम स्कैम, दिस इज़ ऑन सेक्सटॉर्शन. दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू सेक्सटॉर्शन के ऊपर है जो आजकल काफ़ी प्रचलित है. हर चौथे बंदे से जिससे भी आप बात करो तो उसमें ऐसा ही होता है कि यार अरे यार मेरे को भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है या मेरे जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है. सो कहीं ना कहीं किसी के साथ ऐसा हो चुका है, हो रहा है. सो दैट्स वाई द क्रिएटर ऑफ द शो पवन, ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अ सब्जेक्ट लाइक दिस. एंड जैसा आपने बोला कि ऐसा पहले कभी नहीं बना है, स्पेशली जिस डिटेलिंग में हम लोग गए हैं वैसा अभी तक शो ऐसा नहीं आया. एंड हम चाहते हैं कि लाइव पब्लिक को भी, पब्लिक तक ये बात पहुँचे कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है. दैट्स वाई वी यू नो वो वेरी किक्ड. पूरी टीम एज अ यूनिट वॉज वेरी किक्ड कि हाँ यार ये करने में मज़ा भी आएगा. और एक्चुअली वंस वी सॉ द एंटायर प्रोडक्ट तो हमें मज़ा भी आया और करते करते ही बहुत मज़ा आया. सबसे पहली बात तो ऐसा पहली बार होता है कि जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ बैठ के एक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये पहली बार हो रहा है. सबसे पहली बात मुझे लोगों को ये समझानी है सेक्सटॉर्शन क्या होता है. इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स जो लोगों को जो ये है जो लोगों को ल्योर करती है, लोगों को बहुत ही इंटीमेट प्राइवेट मोमेंट्स जो उनके होते हैं उनको एनकैश करके उनके फ़ोन से या कंप्यूटर से वो लेके, या फिर उन्हें जैसा कि इस वीडियो कैम स्कैम में है कि वीडियो कॉल पे जो है वो उनके वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और फिर लोगों से वो पैसे मांगते हैं. एंड दिस इज़ अ केस विच इज़ नॉट जस्ट इन रियल लाइफ, इट इज़ ऑल्सो इन रियल लाइफ. ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारे मैं कहूँगी कि फैमिलीज़ है जो इन सबसे अफेक्टेड है. बहुत सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है. एंड वी जस्ट वॉन्ट टू मेक वेरी वेरी श्योर कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है. और जैसा हम लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट देम टू बी एब्सोल्युटली क्या कहते हैं कि होता है ना कि फैमिलीज़ बैठ के जब कोई शो देखती है तो ये मत देखो, वो मत देखो, तो वी वॉन्ट देम टू बी ओपन अबाउट दीज थिंग्स. वी वॉन्ट देम टू कम फॉरवर्ड एंड प्रोटेक्ट देयर फैमिली. सो मुझे से लगता है जो एक एम है इस शो का वो ये है दैट येस वी आर ऑल्सो मेकिंग दिस शो फॉर एंटरटेनमेंट, बट आई थिंक द बिगर USP हियर इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ वॉट सेक्सटॉर्शन इज और आप इसमें से कैसे निकल सकते हो. क्योंकि ये स्कैमर्स पहले बोलते हैं कैसे हो जानू, उसके बाद बोलते हैं पैसे दो जानू. हाँ. Tell us something about your character. जब हमने अभी सोनू एंड टीटू से बात किया, ये टीटू और स्वीटी से बात की, your सोनू, right? Yeah, and surprisingly, I'm sitting with them. She's Sweetie. I'm Sweetie. Yeah, my character is Sweetie. उनका इंटरव्यू हो गया है, बट आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ. जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ था और जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मैं रिलेट भी नहीं कर पा रही थी कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. एंड मेरे लिए बहुत नया था, दो आई एम अ मुंबई गर्ल बट स्टिल मुझे नहीं पता था. बट ये जैसे जैसे हम डीपली इसमें इन्वॉल्व होते गए और जो चीज़ें हमें पता चलने लगी एंड द रियल केसेस और जो इनकी कहानी हमने दिखाई है, यू नो पुलिस ऑफिसर गोइंग थ्रू दैट, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग रियल दैट हैज़ रियली हैपेंड. एंड रिसेंटली वी सॉ दोज डीप फेक, यू नो दैट्स वाई वी थॉट दैट वी हैव ऑलरेडी शॉट समथिंग लाइक दैट विच इज़ गोइंग टू, यू नो पीपल गोइंग टू रिलेट टू दिस नाउ ऑल द मोर. एंड फॉर मी दिस वॉज रियली एक्साइटिंग. एंड मोर देन दैट इट इज़ अ सोशल मैसेज दैट वी वॉन्ट टू गिव थ्रू द प्रोजेक्ट कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बट बहुत सारे लोग वोकल नहीं हैं, बात नहीं कर पाते इस बारे में. एंड कई लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड दे गो थ्रू हेल, बट वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ स्पेस एंड वी शोन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हाउ दे कैन गेट ओवर दिस. एंड यू नो दिस वन काइंड ऑफ स्प्रेड एंड मोर देन एंटरटेनमेंट लाइक शी सेड, इट्स मोर ऑफ अवेयरनेस थ्रू दिस. इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, जिस तरह इंस्पेक्टर अविनाश में इतना प्यार मिला, उसके पहले भी इंस्पेक्टर का किरदार आपने निभाया, दिस इज द थर्ड टाइम यू आर डूइंग इट. सो इंस्पेक्टर आपको बोलते हैं यू विल बी प्लेइंग इंस्पेक्टर, आप सीधा डन कर देते हो और यू आर एंड रणदीप सर हो तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो जाए.
हाँ मतलब ऐसे सीधा मैं डन नहीं बोलता हूँ, लेकिन रोल में कुछ होना चाहिए. व्हेन आई प्लेड गजराज सिंह आल्सो लाल रंग में, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई प्लेड इट. सो वो रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि मेरे नाना जी जो हैं वो पुलिस के थे, पुलिस में थे, एंड ही वॉज दिल्ली हरियाणा, ही वॉज द SP. और आई हैव ऑलवेज बीन, मतलब मेरी जितनी मम्मी की साइड है वो सब आर्मी पुलिस है. सो आई हैव ऑलवेज हैड दिस फैसिनेशन ऑफ प्लेइंग कॉप या फिर आर्मी या यू नो डिफेंस सर्विसेज में. तो पुलिस का रोल डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करता है, एंड आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इज इट ऑल्सो सूट्स मी, माय पर्सनालिटी. सो अब इनफैक्ट मैं एक और कर रहा हूँ, तो टॉल एंड हैंडसम. हाँ, टू तो हो गया है. सो इंस्पेक्टर अविनाश 2 हैज बीन शॉट, इट बी आउट बाय मार्च अप्रैल, एंड वीडियो कैम स्कैम पार्ट 2 भी बातें चल रही हैं. बातें चल रही हैं. या 100% या हमने छोड़ा ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे 2 आएगा. यार हमारा क्या कहना है कि हमने पार्ट 1 बना लिया, आप उसको बहुत सारा प्यार दे दो, बस खत्म हो गई बात. पार्ट 2 तो फिर ऐसे आ जाएगा. एंड एज एन एक्टर, डू यू बिलीव जिस तरह डीप फेक आया तो वैसा हो जाता है कि एक्ट्रेस के प्रति काफी सारे वीडियोस आए थे, डू यू बिलीव के थोड़ा वो हो जाता है कि हां अरे यार मेरा वीडियो आ जाता तो ये गलत हो जाता, डू यू बिलीव? मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सेक्सटॉर्शन हो या फिर एक्सटॉर्शन हो या डीप फेक हो, ये जेंडर बायस नहीं है. ऑफ कोर्स लड़कियों का आपको ज़्यादा समझ में आता है, इट इज़ बिकॉज यू नो सोसाइटी का एक नज़रिया है उनकी तरफ देखने का. लेकिन जितनी लड़कियां अफेक्ट होती है उतने ही लड़के भी अफेक्ट होते हैं. आई थिंक दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी शुड टॉक अबाउट दिस, कि किसी के साथ भी, फिर वो एक्ट्रेस हो ना हो, कोई लड़की हो लड़का हो, आई थिंक किसी के साथ भी जब भी ऐसा कुछ अनफेयर हो जाता है, इट इज़ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी सबसे पहली बात तो. एंड आपको कैसे लगेगा अगर आपका फ़ोन मैं बस अपने पास ले लूँगी आपको बिना बताए? तो इट इज़ अ वेरी प्राइवेट इंटीमेट थिंग, यू नो. किसी के ऊपर भी आप किसी का चेहरा मॉर्फ करो या किसी की बॉडी के ऊपर आप किसी का चेहरा मॉर्फ करो, इट इज़ अ कम्प्लीट ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. और बहुत अनफेयर लगता है और ऐसा लगता है कि हमारी ही चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है. मुझे ऐसे लगता है कि वो जो एक फीलिंग है ना कि कोई कुछ भी कर सकता है कभी भी, आई थिंक दैट इज द मोस्ट डेंजरस फीलिंग. आई थिंक वो एक लाइन होती है वेयर यू नो एवरी पर्सन हैज अ सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट से इट गोज बिलो दैट पॉइंट, जो बहुत जरूरी है कि हर एक जिने के लिए, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या नहीं हो. एवरीवन इन देयर ओन राइट हैज अ लाइफ. ट्रेलर में एक लाइन भी था, इसमें पैसा और इज्जत दोनों जाती है. और जान भी. वो काफी डीप लाइन थी. और हम लोग इंडियंस ना अपनी इज्जत को लेके इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके. तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि लोग सामने आते ही नहीं है. लोगों को लगता है कि सुसाइड करना या फिर अपनी फैमिलीज को बर्बाद करना ज़्यादा बेहतर है, rather than coming out and facing it and talking about it. And most of the people are from like I believe like from a village area, क्योंकि हम जैसे मुंबई हो गया, अर्बन सिटीज हो गई, they are more into this के they are aware about इस तरह का चीजें होती है, बट जो विलेज साइड होते हैं उधर काफी ज्यादा होता है. सी टू टीयर थ्री टीयर में बहुत होता है, लेकिन सिटीज में भी बहुत होता है. बहुत होता है क्योंकि अब इतने सारे जगहें हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लॉट ऑफ सोशल मीडिया एप्स आर देयर जहाँ पे लोगों को ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं, आते हैं, एंड देन दे गेट डीपर इनटू इट, फिर वो फंसते जाते हैं. तो ऐसे बहुत केसेस हुए, प्लस साथ में डीप फेक जो बोल रहे हैं क्योंकि मॉर्फिंग होती है. सो वो सब चीज़ें हैं क्योंकि इतने सारे मीडियम हैं, एंड इतने सारे ऐप जो हैं वो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर जो मेन मेट्रोज हैं उनके लोग भी यूज़ कर रहे हैं, एंड दे गेट ड्रॉन इन टू इट. मतलब वो खींचे चले जाते हैं उसके अंदर, जैसे बोलती हैं कैसे वो जानूं. तो मतलब समझ रहे हो आप, फ़ोन आता है, अब समवन इज सिटिंग, समवन इज टॉकिंग टू समवन. अभी मेट्रो में भी लोग लोनली होते हैं, यू नो, अगर ऐसे आप सुनोगे बातें करने बैठे तो फिर वो करते 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 कहाँ कॉन्वर्सेशन जाएगी, यू डोंट नो. लाइक मैं अगर अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूँ, प्रिया कुमार, प्रिया विनय कुमार इसका नाम है, शी यूज्ड टू बी एन एजेंट, मतलब पुलिस में ही थी वो, लेकिन वो शादी के बाद रिटायर हो गई, बच्चा हो गया इन द वेब सीरीज. तो ऐसा कई बार होता है कि जो घर की औरतें होती है पूरा घर तो संभालती है, साफ सुथरा रखती है, क्या खाने को चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपने फैमिली के बारे में बातचीत करती है, मतलब यू नो दे टेक केयर ऑफ द हाउस एंड यू नो द मेम्बर्स ऑफ इट. बट रियल में क्या हो रहा होता है ना, ये तो घर की औरत को भी नहीं पता होता है, यू नो. एंड वो कहीं ना कहीं दैट गैप एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, फ्रॉम द किड,
यू नो इज समथिंग दैट वी हैव कैप्चर्ड इन दिस सीरीज. मुझे से लगता है कि घर की हर महिला जो है ना वो इस पर बहुत रिलेट कर रिलेट कर, बिकॉज अगर आप बच्चों को आज कुछ भी पूछो, डिनर टेबल पे हर किसी का अपना अपना एक फ़ोन है, वो जिस प्यार से खाना भी बना दिए शायद वो खाना भी वो लोग खाते हैं नहीं खाते है, पता नहीं है, बट देन एग्जैक्टली क्या होता है व्हाट हर टर्मोइल इज, आई थिंक इज व्हाट वीडियो कैम्स कैन शोज यू. Do you ever feel darker side from your character? To be aisa lag raha hai, this is difficult. Actually. I've never played a negative in my life, but मुझे जिस तरह बोला गया लाइक जैसे नरेशन के वक्त कि इन लोगों को ये नहीं लगता है कि ये कुछ नेगेटिव कर रहे हैं. करेक्ट. ये इतना रेगुलर स्टफ है इनके लिए कि आप बिलीव भी नहीं करोगे, कि आपको लगेगा कि ये नॉर्मल इंसान है जो ये कर रहा है, ये कोई ऐसे डार्क दिखने वाले लोग नहीं है जो ये कर रहे हैं. डीप फेक ऑल्सो दैट यू सी दैट वट एवर यू नो, जो ये जितने भी केसेस हुए होंगे ये शायद बहुत ऑर्डिनरी लोग इनके कुछ पैसों के लिए या किसी फ़ायदे के लिए ये करते थे. तो वो मेरे लिए काफ़ी रिलेटेबल था ये सोचना कि ओके कीपिंग दैट थाट यू नो आई डिड इट एंड इट वॉज फन. आई मीन इट वॉज फन टू प्ले स्वीटी एंड टू वर्क विथ माई को एक्टर्स कुंजन. ये जो फेक का रहता है कि आई हैव सीन दे हैव टारगेटेड द ए लिस्टर्स वेरी मच, जो स्कैम्स भी होते हैं. अभी एक बड़े क्रिकेटर ने केस फाइल किया, बहुत बड़े क्रिकेटर इंडिया के बहुत बड़े, उन्होंने भी. तो डू यू बिलीव दोस पीपल टारगेट दोस ए लिस्टर्स और वेरी पॉपुलर पीपल लाइक? कभी कभी तो ये टारगेटेड होता है, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ नोवेयर इट कम्स एंड इट एक्साइट्स यू. मे बी अ लिंक कैन एक्साइट यू, मे बी अ डील कैन एक्साइट यू, एंड देन यू जस्ट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस. और फिर आप वो कर बैठते हो, बाद में आप रिग्रेट करते हो मच लेटर जब आपको थ्रेटनिंग आनी शुरू हो जाती है. सो मुझे और मुझे ऐसा लगता है कि हम आप जो है वो एलिस्टर्स के बारे में इसलिए भी बात कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनको फॉलो करते हैं. बट रियली जैसे रजनीश ने भी कहा कि ऐसी बहुत सारी विलेजेस है, सिटीज़ है जहाँ पे नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा होता है. अगर वो कंप्लेन भी जाके करते हैं ना तो वो कंप्लेन हम तक पहुँचती नहीं है, उसको कोई मीडिया अटेंशन नहीं मिलता. बट क्या फिर क्या हम ऐसा बोल सकते कि एलिस्टर को ज़्यादा तकलीफ हुई है और नॉर्मल इंसान को नहीं हुई है? तो ऐसा नहीं है, तकलीफ हर जगह की, वो फीलिंग बहुत सिमिलर है. इट इज़ जस्ट दैट वी गिव अटेंशन टू सर्टेन क्लास ऑफ पीपल या सर्टेन मे बी लाइक यू सेड A-listers. बट मुझे से लगता है कि ये हर कहीं एग्जैक्टली हर कहीं पे हो रहा है. एंड वीडियो कैम स्कैम का जो एजेंडा है इट इज़ नॉट टू टारगेट जस्ट एन A-lister और यू नो अ टिपिकल कोई मीडिया एंटरटेनमेंट में जो कोई है उनके लिए. दैट इज़ वाई आई थिंक हिज कैरेक्टर एज अ पुलिस इंस्पेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And also it is very sensitive to tarnish a person's image who already has a social image. Correct. Yeah. So it becomes very sensitive. Uska fayda uthana zyada easy ho jata hai because he is more protective about himself than an ordinary man. Right. So what you're saying is yeah, that is also there. I mean wo zyada beneficial hota hai for the scammers. So before ending of this interview, जिस तरह रजनीश जी ने अपने 2024 के प्लान बता दिया पुलिस कमिंग, इसके सेकंड पार्ट आप दोनों से जाना चाहोगा. एंड पिछले साल चंद्रमुखिया फॉर द मराठी ऑडियंस, इट्स बीन लाइक सो मच ह्यूज. इतनी क्रेडिट गोज टू द प्रमोशन टीम, टू यू, टू एवरीवन. इतना अच्छा प्रमोशन टीम. थैंक यू. टेल अस समथिंग, हाउ यू आर लुकिंग फॉर 2024. ओह माय गॉड, 2024 ऑफ कोर्स देयर इज वर्क इन हिंदी एज वेल एज मराठी. देयर इज लुटेरे व्हिच इज कमिंग ऑन हॉटस्टार and which is under Hansal Mehta, Jay Mehta. Jay Mehta has directed it. Okay. And video cam scam hai ek Vishal Puriya ke saath humne ek bahut hi kamal ki, maine aur Sharib Hashmi ne ek bahut hi kamal ki web series ki hai. So that is coming. Aur filme do teen aa rahi hai bas abhi, super busy, kuch nahi hai, busy thoda bahut kaam hai. Bahut hai, dates for video cam scam. Ha, bahut hai, bahut dates hai hamare. Thank you. Yeah, I'm focusing on South right now. I'm doing two films currently, which is at release. Like video cam scam ke baad wahi release hone wala. Wow. Okay, yeah. Lastly, aapse ek reaction chahiye. Your best friend Ankita is inside of Big Boss. Khali mein reaction chahiye. How the guys are playing? They are looking fab. Yes, they are looking fab and they are a very lovely couple. Firstly, or. अंकिता के बारे में क्या करूँ, क्या कहूँ. आई थिंक वो जैसी है वैसी वो ऑन स्क्रीन है और मुझे उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है. एंड द बिगेस्ट साइड इज विकी जैन, जिस तरह लोगों के, क्योंकि काफी कम लोगों को पता था ही इज माय वेरी गुड फ्रेंड, अब दुनिया जानती है. तो डू यू बिलीव इन, डू यू फील, सी आई एम वेरी हैप्पी फॉर द कपल बिकॉज़ मुझे पता है कि
यू नो मैंने उनकी शादी अटेंड की थी एंड फॉर मी टू सी देम लाइक दिस ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक बिग बॉस आई थिंक इट जस्ट बहुत सारा प्यार उन दोनों के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो थैंक यू सो मच